की जो नकदी मिली थी, अपडेट यह है कि यूआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने वेद प्रकाश यादव को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वेद प्रकाश यादव को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। एसीएस डीओआईटी अखिल अरोड़ा ने वेद प्रकाश यादव को निलंबित कर दिया है, लेकिन जैसी गिरफ्तारी हुई उसके बाद निलंबन की कार्रवाई शुरू हो गई। अपने दर्शकों को बता दें कि एसीएस डीओआईटी अखिल अरोड़ा ने वेद प्रकाश यादव को डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर के पद से निलंबित कर दिया है। इसके साथ साथ एसीबी ने जब वेद प्रकाश यादव को कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है एसीबी की रिमांड पर। अब 3 दिन की रिमांड पर रहेंगे वेद प्रकाश यादव, पूछताछ होगी, कई अहम खुलासे हो सकते हैं और ये समझने की कोशिश होगी ये जो 3 करोड़ की लगभग जो राशि है जिसमें कि एक सोने की ब्रिक भी है, आखिरकार ये जो कैश था इसका उद्देश्य क्या था, ये किस तरह से रकम यहाँ पर जुटाई गई और क्या इस रिश्वतखोरी में कोई और भी शामिल है या सिर्फ और सिर्फ ये जो राशि है वो वेद प्रकाश से संबंधित है और आखिरकार इस तरह की राशि और कहां कहां छुपा कर रखी गई है, तमाम अकाउंट डिटेल्स खंगाले जाएंगे। घर पर पहले ही रेड हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर कैश और गोल्ड मामले से जुड़ी हुई, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है कोर्ट ने वेद प्रकाश आरोपी को। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, 3 दिन की रिमांड पर और जाहिर तौर पर अब बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं, पूछताछ में कौन से वो अहम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश एसीबी करेगी? देखिए बिल्कुल, डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को आज एसीबी ने एसीबी कोर्ट में पेश किया। चूंकि आज रविवार था, अवकाश था, ऐसे में जो जज थे उनके घर पर वेद प्रकाश यादव को पेश किया गया, जहां से 3 दिन के रिमांड पर वेद प्रकाश यादव को भेज दिया गया और कुछ ही देर में एसीबी की टीम वापस से वेद प्रकाश यादव को लेकर के एसीबी के मुख्यालय पहुंचेगी, जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन जब एसीबी मुख्यालय से जब वेद प्रकाश यादव को ले जाया जा रहा था, तब अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा ने कहा था कि 3 से 5 दिन का रिमांड कम से कम मांगा जाएगा और आखिरकार एसीबी ने 3 दिन का रिमांड मांगा और कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए वेद प्रकाश यादव को एसीबी की जो है 3 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। और अब यहां पर लाए जाने के बाद में वेद प्रकाश यादव से जो है गहनता से पूछताछ होगी और पूछताछ का जो मुख्य बिंदु होगा वो ये कि 2014 से प्रोग्रामर के पद पर भर्ती हुआ वेद प्रकाश, जो कि अब इस वक्त ज्वाइंट डायरेक्टर है, तो उस रिश्वत के खेल में क्या वो अकेले ही शामिल थे या इस खेल को में और कौन कौन से लोग जो ऑफिसर हैं या कार्मिक है वो अपना रोल निभा रहे थे, अदा कर रहे थे। उसके अलावा जो रिश्वत की रकम है वो कितने लोगों से वसूली की गई थी, ये एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी। उसके अलावा जो गोल्ड का जो बिस्कुट था वो कितने रुपए में वेद प्रकाश ने खरीदा, चूंकि बताया जा रहा है कि वो भी रिश्वत की रकम से ही खरीदा हुआ गोल्ड का एक बिस्कुट था, वो करीब 1 किलो जो वजनी था, तो वो कब खरीदा गया। लेकिन अब तक की पड़ताल में जो अंबाबाड़ी स्थित उसके घर से जो दस्तावेज मिलेंगे उनको खंगाला जाएगा, साथ में ये वापस से एक बार पूछताछ होगी कि इस रिश्वत के खेल में कौन है। लेकिन जब वेद प्रकाश यादव को एसीबी मुख्यालय से लेकर के एसीबी की टीम रवाना हुई थी, तब न्यूज 18 से खास बातचीत जब हमने कोशिश की, हमने कुछ सवाल पूछे, तो वेद प्रकाश यादव ने कहा कि जी हाँ ये रकम मेरी है। दूसरी बात उससे पूछा गया क्या इस खेल में कोई और भी शामिल है, तब उसका प्रारंभिक तौर पर जो बयान था, जो कहना था, वो था कि नहीं सिर्फ मैं ही इस खेल में था। लेकिन एसीबी जवाब से कुछ सरोकार नहीं रखेगी, वो उसके सवालों की एक लंबी लिस्ट है कि इस जो परचेज जो कमेटी में वो शामिल था तो क्या रिश्वत का खेल वहीं तक सीमित था, क्या कमीशन के तौर पर वेद प्रकाश यादव ही रिश्वत ले रहा है। कि जब वेद प्रकाश से आपने बातचीत की तो उसने कहा कि ये मेरा ही पैसा है, क्या वो इस बात को कबूल कर रहा है कि कमीशन खोरी से पैसा जुटाया गया है? देखिए बिल्कुल, कमीशन खोरी से पैसा जुटाए वो उसने जो सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा जबकि पैसा किसका था, अलमारी में रखा हुआ 2 करोड़ 31 लाख रुपया और जो 1 किलो जो गोल्ड का जो बिस्कुट था वो किसका था, तो वेद प्रकाश ने नीचे गर्दन करके कहा जी हाँ मेरा था। दूसरी बात उससे पूछा और हमने सवाल पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं एसीबी को लगभग बहुत कुछ बता चुका हूं। लेकिन उसके बाद तीसरी बात ये पूछी गई क्या इस खेल में कोई और भी शामिल है, तो वेद प्रकाश ने कहा कि नहीं अभी तक तो मैं ही था, मतलब उसका कहना था कि ये सब कुछ मैं ही कर रहा था। लेकिन एसीबी इन सब बयानों से कोई इत्तफाक नहीं रखती, क्योंकि मीडिया के सामने हो सकता है कि बयान बदले भी जाएं,
तो इसीलिए रिमांड जो 3 दिन का लिया गया है उसमें गहनता से पूछा चुकी, क्योंकि एसीबी के हाथों में सीसीटीवी फुटेज लग चुके हैं, तो फुटेज से तौर पर साफ है कि जो बैग रखने का विष्णु आप देखिए, जब एसीबी मुख्यालय से उसे कोर्ट ले जाया गया तो पूरे उस वक्त आप लगातार वहां पर मौजूद थे, आपने खुद वेद प्रकाश से भी बात की, कोर्ट में भी जब उसे पेश किया गया, मुझे बताइए किस तरह का बॉडी लैंग्वेज था उसका, क्या वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, किस तरह से व्याख्या कर रहा था? देखिए बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, चूंकि अब तक बहुत घूसखोरों के चेहरे हमने यहाँ पर देखे हैं लाते लेते कोर्ट में मुख्यालय में, तो आज भी जो चेहरा जो वेद प्रकाश का था वो आम तौर पर जो जैसा कि वो बोल्ड दिखता था अपने डिपार्टमेंट में, चूंकि एक बड़े अहम पद पर था, वहीं अपनी उनकी रसूखा थी, धाक थी, लेकिन आज जो धाक जो थी वो बेअसर नजर आ रही थी। यहाँ पे चेहरा जो था वो काफी गमगीन सा था, मायूस सा चेहरा जो उन्होंने बना रखा था। जब वेद प्रकाश को यादव को कोर्ट में पेशी करने से पहले जब उन्हें मेडिकल मुआयना उनका कराया गया, मेडिकल उनको चेकअप कराया गया, उसके बाद जब इसी भी मुख्यालय लाया गया, तब वेद प्रकाश ने गर्दन नीचे रखी हुई थी। जब उससे सवाल पूछे जा रहे थे मीडिया की ओर से, हम न्यूज 18 ने जब उनसे सवाल पूछा तो गर्दन नीचे थी, बहुत बहुत कमजोर सी आवाज में, बहुत धीमे आवाज में, धीरे से हाँ हामी भरी कि हाँ ये रकम मेरी है। तो आप समझ सकते हैं, चूंकि वेद प्रकाश ने सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा कि वो इस तरह से पकड़ में आएगा, और वो कब, जब डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग का जब प्रोसेस शुरू होगा, और जिस जो जो भ्रष्टाचार की तिजोरी उसने यानी काले धन की तिजोरी उसने खड़ी की थी वो कभी पकड़ी जाएगी, शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था, और उसको लगता था कि शायद घर में यदि कभी रेड हुई। खेल तो खराब हो गया, खुलासा हो गया, और सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ खुलासा कर दिया, लेकिन सवाल यहां पर है कि क्या सिर्फ वेद प्रकाश इस रिश्वतखोरी में शामिल है? क्योंकि आप देखिए कि 20 साल से वो स्टोर का इंचार्ज बना बैठा है, जबकि पद बदलते रहे, तो आखिरकार किसी का तो संरक्षण होगा, ये अहम सवाल। और साथ साथ में वो परचेसिंग कमेटी का सदस्य था, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस कंपनी को देने हैं, ये सिर्फ उसका फैसला नहीं होगा, तमाम जो सदस्य होंगे, तमाम जो हेड होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उनका भी फैसला होगा। तो क्या कमीशन सब में बंटता था? अब क्या इस बात पर भी जांच होगी? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर से इस बात की भी जांच होगी कि परचेज कमेटी की ओर से जिस कमेटी का मेंबर वेद प्रकाश यादव था, और परचेजिंग के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो थी वो डीओआईटी खरीदा करती थी, उस परचेजिंग कमेटी में एक मेंबर के नाते यदि एक व्यक्ति यानी वेद प्रकाश यादव मोटा कमीशन जो है वसूल कर सकता है टेंडर के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट देने के हिसाब से, तो फिर क्या अन्य सदस्यों की क्या भूमिका, क्या ईमानदार थी, क्या पाक साफ थी? तो अभी लगता तो नहीं है एसीबी को इस तरह की बात, लेकिन गहनता से जब पूछताछ होगी तो और जो दूसरे नाम है वो भी सामने आएंगे। लेकिन यदि कोई उन्हें उसमें कोई कमेटी में गुनहगार होगा तो ये बात पक्की है कि उन्होंने अपने गुनाह को छुपाने के लिए वो जो भी कोई पैसा हो सकता है कहीं ना कहीं अब इधर उधर कर दिया गया हो। चूंकि वेद प्रकाश यादव खुद बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसकी जो रकम है कभी पकड़ में नहीं आएगी, उसका जो खेल है रिश्वत का वो कभी उजागर नहीं होगा, काला उसकी जो करतूत है वो कभी उजागर नहीं होगी, और इसीलिए उसने ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर रहते हुए इस धन को, काले धन को अपने ऑफिस से जस्ट बराबर बगल में जो अलमारी रखी हुई थी जिसके अंदर कोई कोई मोहर लगी हुई थी, किस डिपार्टमेंट की अलमारी है, उसकी चाबी जो थी उसके वेद प्रकाश के पास में हुआ करती थी, सारा धन जो था उसने उसे अलमारी में छिपाया हुआ था। लेकिन पूछताछ का सिलसिला चला था, और देखिए देर रात 3 बजे गिरफ्तारी हुई है, जयपुर पुलिस ने सौंपा है एसीबी की टीम को। क्या ये पता लग पाया है कि जो काला धन था, जो रिश्वतखोरी का पैसा था, जो 2,31,00,000 का है, इसके साथ साथ 1 किलो की ब्रिक भी है सोने की, ये हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जुटाया गया था या बहुत लंबे समय से काले धन यहां पर जुटाया जा रहा था? देखिए अब तक की जो प्रारंभिक पड़ताल उसमें ये सामने आया कि जो धन जो रखा गया था अलमारी में वो वर्ष 2021 और 22 से ही रखा जा रहा था, लगातार ये रकम यहाँ पर इकट्ठी की जा रही थी, लेकिन इसका कोई निश्चित जो टाइम है वो सामने नहीं आया। केवल वर्ष सामने आया कि वर्ष 2021 वर्ष 2022 से ये रकम यहाँ पर रखी जा रही थी, उसके पहले ये अपने घर पर जो अम्माबाड़ी स्थित घर है वहां पर इस धन को रखा करता था, लेकिन बाद में इसने अपना जगह बदली, काले धन को सफेद करने के लिए या कहीं छुपाने के लिए इस जगह को बदला और अपने ऑफिस के बगल में जो अलमारी थी वहां पर रखा और उसे पर्सनल लॉकर के रूप में, देखिए बैंक के बजाय अपने ऑफिस में अपने ऑफिस की अलमारी को पर्सनल लॉकर बनाकर रखा, लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की रकम यहां पर रखी। जब रकम ज्यादा हो गई उसी रकम से एक बिस्कुट खरीदा ताकि रकम मोटी होने के बाद थोड़ी पतली हो जाए, तो तमाम जो चीजें इसने यहां पर रखी
लेकिन आखिरकार एक्सपोज हुआ और कब हुआ? देखिए स्टेप बाय स्टेप अब जांच आगे बढ़ेगी। और देखिए विष्णु, आप और अरबाज लगातार हमें सुबह से ये जानकारी दे रहे थे कि कुछ ही देर में एसीबी की टीम योजना भवन भी पहुंचेगी, जहां पर ये पूरा खुलासा हुआ, जो मशीन थी, जो अलमीरा थी वो सामने आई, कैश सामने आया और वहां पर सोने की ब्रिक सामने आई, अधिकारी के होश फाख्ता हो गए, पुलिस वहां पर पहुंची वो भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये है किसका। फिलहाल पूछताछ हुई, एक्सपोज सामने हो चुका है वेद प्रकाश, लेकिन इन सब के बीच में क्या एसीबी की जो टीम है वो योजना भवन पहुंची है, क्या कुछ वहां पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं, किस किस से पूछताछ हुई है, इस बारे में से भी ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए परसों शाम को जब ये पूरा मामला खुला कि इस योजना भवन के बेसमेंट में बड़ी रकम, मोटी रकम मिली है, उसके बाद में जयपुर कमिश्नरेट को सूचना दी गई थी, और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये अलमारी किसकी है, ये धन किसका है। तो जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने इस काम को शुरू किया, ऑपरेशन शुरू हुआ, सर्च का फुटेज खंगाले गए, रात भर सर्च ऑपरेशन चला, दो दो अलग अलग टीमें बनाई गई और आखिरकार साफ हो गया कि वेद प्रकाश यादव की ये रकम है। तो उसके बाद में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जो टीम है उसने पूरी रिपोर्ट बना करके, पूरी लोकल जो छानबीन करने के बाद एक रिपोर्ट करके इस पूरे मामले को एसीबी को हैंडओवर किया। कल शाम को जो वेद प्रकाश यादव उनको एसीबी को दिया गया, उसके बाद देर रात तक उनसे पूछताछ हुई, कागजी प्रक्रिया जो थी, कानूनी प्रक्रिया थी वो आप बता रहे, रिपोर्ट बकायदा जयपुर पुलिस की तरफ से बनाई गई थी और एसीबी को सौंपी गई होगी, जाहिर तौर पर कोर्ट में भी इस रिपोर्ट को पेश किया गया होगा और बताया गया होगा कि इतना महत्वपूर्ण है वेद प्रकाश की गिरफ्तारी और उसकी रिमांड पर पूछताछ में, क्योंकि बड़े खुलासे होंगे। क्या कुछ एसीबी की तरफ से कोर्ट में कहा गया? देखिए एसीबी की ओर से जांच कोर्ट में कहा गया, उसमें सबसे बड़ी जो फुटेज जो दिए गए हैं, फुटेज में ही साफ है कि ये अलमारी और अलमारी में रखने वाला धन और वो बैग, वो सभी वेद प्रकाश यादव के हैं। चूंकि उसके पहले जब परसों ये मामला खुला था तो वेद प्रकाश यादव को भी बुलाया गया था, चूंकि उसका ऑफिस उस अलमारी के बिल्कुल नजदीक में था, लेकिन वेद प्रकाश यादव ने बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ये धन उसका नहीं है, ये अलमारी उसके नहीं है, चाबीस भी उसके पास थी। लेकिन जब फुटेज सामने आया, वो भी 6/8/2023 का शाम को 6:30 बजे का, जिसमें वेद प्रकाश यादव खुद बैग लेकर के आ रहा है, जा रहा है, बैग को अलमारी में रख रहा है, तो बिल्कुल साफ तौर पर ये साफ होगा कि ये अलमारी, ये और ये करतूत, ये और ये काला धन, ये वेद प्रकाश यादव का ही है। ऐसे में वेद प्रकाश टूट गया, उसके पास बोलने को बिल्कुल सवाल का जवाब नहीं था और आखिरकार पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और आज एसीबी ने कोर्ट में इन्हीं तमाम तथ्यों को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में जो सबूत है, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो कोर्ट के सामने रखे और आखिरकार कोर्ट को भी मानना पड़ा। विष्णु नजर बना रखिएगा, एसीबी मुख्यालय से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे विष्णु, और कुछ ही देर में एसीबी मुख्यालय पे पहुंचेगा वेद प्रकाश, जहां पर कई बड़े खुलासे होंगे, पूछताछ में नजर बनाए रखिएगा।